नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू सोगरी की सब्जी। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस सब्जी को बनाया है और बहुत ही सिंपल मसाले हमने इस सब्जी में यूज़ किए हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं सोगरी आलू की सब्जी, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम सोगरी ली है, जिसको मैंने काट लिया है छोटे पीसेस में और धो भी लिया है अच्छे से। 2 हरी मिर्ची ली है, कुछ लहसुन की कलियों को मैंने काट लिया है। 2 हरे प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, इनको भी काट लिया है। 3 टमाटर लिए हैं और 3 ही आलू लिए हैं, जिनको मैंने काट कर इस पीसेस में धो लिया है। अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने पे हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं सब्जी सरसों के तेल में बना रही हूँ। तेल गर्म होने पे ज़ीरा डाल देंगे आधी चम्मच। ज़ीरा अच्छे से भुन जाने के बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च और लहसुन डाल देंगे। हरी मिर्च को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें हरा प्याज डाल देंगे। हरे प्याज को भी मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है। हरे प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। हरा प्याज अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद हम इसके अंदर कटे हुए आलू डाल देंगे और कटी हुई सोगरी भी इसके अंदर डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया है, आलू और सोगरी को। अब हम आलू और सोगरी को 2 से 3 मिनट तक तेल के अंदर भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। तीन चार मिनट बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कटे हुए टमाटर और कटे हुए टमाटर को भी सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे हम लाल मिर्ची का पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा, आधी चम्मच डाल देंगे हम गरम मसाला, नमक डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर डाल देंगे हम 1.5 चम्मच। अब सभी मसालों को सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जी बनाई है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इस सब्जी को हम सूखा बनाएंगे, हम इस सब्जी को रसेदार नहीं बनाएंगे। इस सब्जी को आप पूड़ी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ जैसे चाहे खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इस सब्जी को ढककर पकाएंगे और पानी का यूज़ नहीं करेंगे। हम ढककर इसे 5 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। 5 मिनट बाद हम वापस से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है। अब चलाते हुए हम सब्जी का पानी सुखा लेंगे। आप देख सकते हैं आलू फूट रहे हैं और हमारी सब्जी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को तो कर देंगे बंद और इस सब्जी को हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सोगरी और आलू की सब्जी तैयार है। मैंने धनिया पत्ते से इसे गार्निश किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।